इंडियन पब्लिकेशन ने प्रैक्टिस सेट निकाला है बीपीएससी टीचर भर्ती के लिए, तो मैं उस किताब का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, सेट टू आ सॉल्व करूँगा। ये किताब का है, मतलब ये क्लास 1 से 5 तक के प्रैक्टिस सेट किताब का क्वेश्चन सब है, तो उसका सेट नंबर 2 है। तो चलिए इस मतलब इस वीडियो में हम गणित का ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दूसरे और सबको दूसरे वीडियो में सॉल्व करके दिखाऊंगा, पहले गणित पे फोकस करते हैं, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 15 से कम सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं। तो विषम का क्या मतलब होता है? ऑड। तो ऑड प्राकृतिक में तो नेचुरल, तो ऑड नेचुरल नंबर में निकालना। तो ऑड नंबर क्या होता है? 1, 3, 5, 7, मतलब जो दो से डिविजिबल नहीं है वो सब ऑड नंबर है, ठीक ना। इवन मतलब सम, मतलब जो सभी दो से डिविजिबल है वो सम होते हैं। तो विषम है तो देख सकते हैं 15 से कम के कौन कौन होंगे। 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, फिर 11 होगा, फिर 13 होगा, ठीक ना। अब इसका सम कीजिए, सभी का जोड़ दीजिए, जोड़ने पे कितना है? 11, 9, 20, 13, 7, 20, 20, 40 हो गया। अब प्लस 5, 3, 8, 1, 9, 49 हो गया। टोटल कितने है? एक नंबर टोटल सम आ गया इन सभी का जोड़ने के बाद 49, इन सभी का जोड़ने के बाद आ गया, ठीक ना। जोड़ने पे इतना आ गया और ये नंबर टोटल कितना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 है। तो 49/7 करने पे आपको 7 आ जाएगा इसका आंसर। अब इसको आराम से कर लीजिए, ये आराम से आ जाएगा आपका, इसका आंसर 4 आ जाएगा, 0.133। एक आयत की परिधि, तो आयत मतलब रेक्टेंगल की परिधि 280 मीटर है और उसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात देखा है 5/2, तो आयत का क्षेत्रफल। तो सपोज कीजिए 5/2 मतलब L/B दे रखा है आपको, 5/2, ठीक। और दो परिधि का मतलब हो गया पेरीमीटर दिया है, सर्कमफेरेंस, परिधि मतलब सर्कमफेरेंस होता है, मतलब यहाँ ये वर्ड यूज नहीं करना चाहिए था, इसको परिमाप ही सही वर्ड था, क्योंकि सर्कमफेरेंस सर्किल सबके रेस्पेक्ट में होता है, वो ज़्यादा सही है, तो पेरीमीटर सही वर्ड हो रहा था होता है यहाँ पर। छोड़िए, मैथ है, सॉल्व कीजिए। 280 मीटर है, तो परिधि क्या होता है? आयत का रेक्टेंगल का 2 × L+B इक्वल टू 280। इसमें L है तो L+B कितना आ जाएगा? L+B आ जाएगा आपका 280। तो यहाँ से B को उठाइए, यहाँ पे इसमें रखिए, इसको सॉल्व करने से आ जाता है आपका, यहाँ से B आया, B तो कितना हो जाएगा? L+B। B क्या है आपका यहाँ पे? बी है 2/5 × L, 2/5 × L इक्वल टू 140 होगा यहाँ पे, ये गलत है, 140 हो जाएगा, 2 यहाँ से कट जाए, 140 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा आपका L कितना आ जाएगा, मैं बता देता हूँ, 7/5 L, 7 × 14, 2 L इक्वल टू 200 आ जाएगा, जिसको बी और ब्रेथ आ जाएगा, L मतलब लेंथ होता है, लेंथ रेक्टेंगल है ये, तो लेंथ, इसको लेंथ बोलते हैं, इसको ब्रेथ बोलते हैं, लंबाई चौड़ाई, ठीक ना। बी से ब्रेथ मतलब चौड़ाई हो गया, एल से लेंथ मतलब लंबाई हो गया, 100 हो गया, तो ब्रेथ हो गया आपका 40। अब एरिया क्या होता है? दिस इंटू दिस, तो 4000 आ जाएगा इसका, ठीक। और चौथा क्वेश्चन है, संख्या ये है, इसमें 7 का स्थानीय मान निकालो। स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करते हैं? जैसे मान लीजिए 1 का बोलता, तो 1 का करते क्या, 1 × कितना नंबर प्लेस है? तो 10th पे है, वो 10th प्लेस पे है, ठीक। तो 7 कौन सा नंबर है? 1, 2, 3, 4, 7 × 1, 2, 3, 4, ये करना होता है। किसी का भी मान निकालने के लिए स्थानीय मान निकालिए, ये करना, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन, 180 डिग्री कोण को क्या कहते हैं? तो 180 डिग्री कोण को ना आपको कहते हैं सिंपल कोण और रिजु कोण, यही बोलते हैं। सिंपल मतलब साधारण कोण, सरल कोण, सब इसी का नाम है। छठा क्वेश्चन है, ये देखिए 240 का 2/5%, 180 का 3/5%, ये सब निकालना है। तो 240 का ये और 200 का मतलब क्या होता है? बेसिकली मैथ में इंटू होता है ना, या इंग्लिश में ऑफ लिखा रहता है, तो इंटू होता है मतलब, तो इसको इंटू कर दीजिए। और परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, तो इंटू मतलब यहाँ पे 100 आ जाएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा, ठीक। तो सॉल्व कीजिए, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? 500।
ठीक, और 240 इंटू दो 480 प्लस 180 इंटू तीन 540, ठीक। इसको सॉल्व कीजिए, आ जाएगा आपका ये देखिए 540 आ गया। 0 0 0 सब तो काट दीजिए, ये हो जाएगा 2 5 9 1 10 डिवाइडेड बाई 50, तो आ जाएगा 50 × 100 प्लस 5 × 20, ये आंसर आ जाएगा, ठीक 2 इसका आंसर आ जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है वह क्या कहलाती है, वह उसका क्षेत्रफल कहलाता है, एरिया कहलाता है। दो संख्याओं का योगफल इतना है, यदि उसमें से एक संख्या इतनी है तो दूसरा संख्या क्या कर सकते हैं, घटा के निकाल सकते हैं। घटा के निकाल लीजिए आराम से, और इसका घटाने के बाद कितना आ जाएगा देख लीजिए, 1 1 1 1 6, मतलब इस पहले का फर्क है तो देख लीजिए 8 1 9 है तो सही है, तो मतलब 2 हो जाएगा यहाँ पे, ये आंसर हो जाएगा पहला वाला। आठवां क्वेश्चन, नौवां आ गया क्वेश्चन, चार 12 और 18 का महत्तम समावर्तक निकालना। महत्तम मतलब क्या होता है, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं आप देखिए, 4 है इसको लिखिए 2 स्क्वायर, 12 है इसको लिखिए, ये लिखाएगा 2 स्क्वायर × 3, 18 लिखाएगा कैसे, 2 आएगा × 3 स्क्वायर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला, तो कॉमन होना चाहिए सब में, मतलब कॉमन होना चाहिए और उसमें हाईएस्ट होना चाहिए, तो 2 का कॉमन है सब में, देखिए 2 का कॉमन में हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट क्या है यहाँ पे 2 स्क्वायर, मतलब बेसिकली 4 है, ठीक हाईएस्ट कॉमन हो गया। 3 देखिए, 3 सब में कॉमन ही, पहले में है ही नहीं, तो इसलिए 3 को हम नहीं ले सकते हाईएस्ट कॉमन वाले में, ठीक ना। 2 था, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, एक कॉमन क्या है 2 है, 3 देखिए सब पहले तो 3 तो है नहीं एकदम, क्योंकि पहले वाले 4 बने में 3 है नहीं, तो 3 पे विचार ही नहीं करना, 2 पे विचार करना, 2 हो गया यहाँ पे ऐसे भाई। मगर हाईएस्ट क्या है जो सब में है, वो सब में उतना है, तो 2 सब में है ना, यहाँ पे 2 जो है ना आपका, 2 इसमें, ये जो है 2 ये सब में है, इसमें है, इसमें है, सब में 2 है, 4 है इसमें, इसमें पर इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो इसलिए इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा, महत्तम समावर्तक हो जाएगा 2। यदि 3 मजदूरी की मजदूरी 510 है एक दिन में, तो 12 मजदूरों की 20 दिन की मजदूरी कितने रुपए हो गए, तो बड़ा आराम से देखिए इसको ऐसे निकालते हैं, 3 मजदूरों की 510 रुपए, मतलब एक मजदूर कितना कमा रहा होगा, ये आराम से 17 51 होता है, 170 रुपये कमा रहा होगा एक दिन में, ठीक। तो 20 तो 15 मजदूर कितना कमाएगा एक दिन में, 15 × 170। अब 20 दिन में कितना कमा देगा 15 मजदूर, एक दिन में इतना कमाया है तो 20 दिन में क्या होगा × 20, ठीक। तो ये करने से आपका आ जाएगा, आराम से कर लीजिए देख लीजिए, 15 × 30 इजी को इंटू कीजिएगा है ना, बड़ा बड़ा नहीं, अब 17 × 34 कीजिएगा, फिर 15 बड़ा कम्प्लेक्स होगा, देखो 15 × 30 किए तो 30 आ गया, तो 30 हो गया तो 3 आ गया, 17 × 51 आ गया, देखिए आराम से हो गया, ये आंसर आ गया आपका। इजी को इंटू ना, छोटे छोटे चीज़ को ध्यान रखना चाहिए आपको, प्रैक्टिस करने से सब आ जाएगा। अब देखिए 11वां क्वेश्चन है, किलोमीटर × किलोमीटर और सेंटीमीटर दिया हुआ है, अब देखिए 1 किलोमीटर में होता है आपका 1000 मीटर, ठीक 1000 मीटर होता है। पहले तो ये क्वेश्चन गलत है, देखिए किलोमीटर × किलोमीटर कुछ भी आएगा यहाँ पे, स्क्वायर आएगा यूनिट में, ठीक ना, यूनिट स्क्वायर होगा, जैसे एरिया में क्या करता है मीटर × मीटर, क्या कहते हैं मीटर स्क्वायर किसी का एरिया होता था, ऐसे यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है, चलिए ठीक है वो बात छोड़ दीजिए, वो तो गलती था इसमें। उसके अलावा देखते हैं, उसके अलावा इसमें देखिए आप इसको इंटू कीजिएगा तो ये फैक्टर आता है ना, ये जब इस फैक्टर को इसको इस दोनों को बस इंटू करने से ये आ जाता है। अब किलोमीटर मतलब 10³ यहाँ पे है, 1000 यहाँ पे है और 1000 यहाँ पे है, ठीक इसको थोड़ा अच्छे से देखते हैं, हजार यहाँ पे है, हजार हो गया, और फिर ये मीटर में आएगा, तो अब सेंटीमीटर में क्या, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो एक और 2 शून्य और हो जाएगा, 2 शून्य और हो जाएगा,
ठीक, तो टोटल कितना शून्य हो गया, 5 और 5 10, ठीक 5 और 5 10 शून्य हो गया। और ये आता है इसको और इसको इंटू करने से ही आ जाता, तो 5 और 10 है 10 की पावर 6 है, 4 कहाँ गया, 4 गया इसको जीरो करने में आ गया, तो ये आंसर इसका ये आंसर हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन, 200 मिलीलीटर दूध वाले कितने पैकेट 1.6 लीटर दूध से बनेंगे। अब देखिए क्वेश्चन उटपटांग लैंग्वेज दिया है, ऐसे नहीं लेना चाहिए इसको। बस ये क्वेश्चन यही है कि आपके पास 200 मिलीलीटर वाले पैकेट है, ठीक ना, उसमें 1.6 लीटर दूध दे दिया कोई आपको बाल्टी में आके दे दिया, पर आपके पास बोतल घर में था आधा लीटर, जैसे नहीं होता आधा लीटर का दिया एक लीटर, तो कहाँ कीजिएगा, 2 को बोतल लाइएगा, वैसे ही कुछ यहाँ पे बात है। तो 1.6 लीटर है और 200 मिलीलीटर का आपके पास पैकेट है, तो क्या करेंगे इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो into 1000 करेंगे, 1 2 3, तो ये आ जाएगा 1600। 1600 क्यों, क्योंकि यहाँ पर पहले से बिंदु था, है ना, तो 1000 से इंटू करने पे 1600 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना है, 200, 200 मिलीलीटर का एक पैकेट है और 1600 टोटल दूध था, तो कितने पैकेट हो जाएंगे, 8 हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन, अंक 18 और 30 के समावर्तक कौन कौन है। अब देखिए वो समावर्तक निकालना है, अब समावर्तक मतलब क्या हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देख सकते एक तरह से, कॉमन फैक्टर, और यहाँ पे निकालना है कॉमन फैक्टर कौन कौन से सब दोनों में कॉमन, तो इसके लिए सीधा करते हैं क्या, इसका फैक्टर निकालता है। 18 का फैक्टर क्या क्या होगा आपका, 18 होगा आपका 2 into 3 square, 9 दुनिया 18 हो गया, तो 30 का क्या होगा, 2 into 5 into 3, ये हो जाएगा। तो दोनों सब में कॉमन क्या है, देखिए 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 2 तो आंसर होगा ही, 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, ये तो आंसर होगा ही। अब 6 भी हो जाएगा, सही बात है, यहाँ पे भी 3 into 2 6 है, 3 into 2 6 6 है, तो इसका आंसर चौथा हो जाएगा उपयुक्त सभी। 5 अंकों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 5 अंकों की कुल संख्या कितनी होती है, सबसे हाईएस्ट क्या होता है 5 अंक का, 1 2 3 4 5, ये 5 अंक का सबसे बड़ा नंबर, सबसे छोटा नंबर क्या है, 1 2, ये सबसे छोटा नंबर है, ठीक ना, 5 अंक का, और सबसे बड़ा नंबर वो है, तो दोनों को माइनस कर दीजिए, टोटल कितने नंबर आ जाएंगे आपको पता चल जाएगा, 8 9 9 9 9, +1 करना पड़ेगा क्योंकि एक आपका मिसिंग हो जाता है यहाँ पर, +1 करने से ये आपका 2 नंबर आ जाएगा, 9000 इसका आंसर हो जाएगा। अब ये नंबर के बाद कौन सी संख्या आएगी, +1 कर दीजिए, यदि ये और भी 2 अभाज्य संख्या, मतलब इसका कोई फैक्टर नहीं है दोनों, अब इसको कोई डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो उसका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, मतलब एलसीएम क्या होता है, तो जो अगर कोई डिविजिबल नहीं है तो उसको डिवाइड नहीं किया जाता, मतलब उसका विभाजन नहीं किया जाता, तो उसका लघुत्तम समावर्तक इनटू हो जाता है, इनटू होगा सिंपल सी बात है ए और बी, तो इसका जैसे ए और बी हुआ, अब इसका फैक्टर निकालिएगा तो क्या होगा, ए और इनटू बी। देखिए 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान 130 मीटर लंबी एक ट्रेन एक पुल को 30 सेकंड में पार करती है, ठीक, तो पुल की कितनी लंबाई है। अब देखिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको पहले 45, देखिए सब मीटर सेकंड में दिया, तो इसको मीटर सेकंड में करते हैं, तो मीटर करने मतलब किलोमीटर, तो 1000 ऊपर में लिखेंगे, ऐसे याद भी कर सकते हैं ये वैल्यू क्या आता है, और नीचे घंटा के लिए क्या करते हैं, पहले मिनट 60 मिनट इंटू 60 का और करने से सेकेंड हो जाएगा, 1 2 1 2, तो ये आ जाता है 5/18 आता है ये फैक्टर, ये नॉर्मली सब लोग याद करके रखते हैं, आप भी याद करके रख सकते हैं। इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा, पहले इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया 15 * 3 = 45, ये हो गया 6 * 3 = 18, तो 15 मतलब 75/6 इसका आंसर आएगा, ये मतलब इसका वैल्यू आएगा 75/6 मीटर पर सेकंड, ठीक ना, इनटू टोटल सेकंड कितना है 30, इतना देर में इस सेकंड में, देखिए मान लीजिए सपोज कीजिए ये पुल था आपका, ट्रेन ऐसे यहाँ से शुरू किया, ठीक, तो ट्रेन शुरू किया यहाँ टच किया, जस्ट टच किया, और ये पुल ख़त्म हो रहा है यहाँ पर, और ट्रेन ये पुल था, ट्रेन यहाँ से आया
यहाँ आया, यहाँ टच हो गया, ठीक, यहाँ से टच किया, फिर पुल पर चला चला चला, फिर यहाँ पर, और यहाँ पे ट्रेन निकल गया, ये ट्रेन था आपका, ठीक, तो यहाँ से ट्रेन निकल गया अंतिम तक। तो ट्रेन को वाकई में इस पुल को ख़त्म होने में कितना लगा, इसका जब ये छोड़, ये जो पीछे वाला छोड़ ट्रेन का, जब ये पुल को छोड़ देगा तब उतना सेकेंड लगेगा, तो टोटल यही निकालना है हमको, टोटल डिस्टेंस वाकई में कितना हो जाएगा, 30 + 30 हो जाएगा, ठीक ना, टोटल डिस्टेंस। तो कहने का मतलब 45 किलोमीटर सेकेंड को हमने किया था, तो क्या आया था, 75/6 मीटर सेकेंड, मीटर सेकेंड आ गया था ये, 75/6 मीटर सेकेंड इनटू टाइम कितना लग रहा है, 30 सेकेंड, इक्वल टू डिस्टेंस कितना हो जाए, 130 मीटर। किसका लेंथ है ये, ट्रेन का लेंथ, इसका लेंथ प्लस पुल का लेंथ, पुल का जिसका निकालना, मान लीजिए एक्स, यही करना, तो 6 × 5 = 30, 75 × 5 क्या हो जाएगा, 50 = 25, 7 × 5 = 35, 36 × 37, 375 हो जाएगा यहाँ पे, और देखिए 375 इक्वल टू 130 + x, तो इसको सॉल्व कीजिएगा कितना आ जाएगा, 4 245, 245 या 55 आ रहा था, देख लीजिए वैसे ही सॉल्व करना है, 245 है तो 245 आ रहा होगा। 18वां क्वेश्चन, साधारण ब्याज की 5% प्रति वर्ष की दर पर 2 वर्ष में कितने मिलने पर 132 रुपये की धनराशि का वर्तमान मूल्य हो रहा है, मूल्य क्या है। देखिए वर्तमान मूल्य मतलब कि प्रिंसिपल, प्रिंसिपल जो आपने लगाया इनिशियली पैसा, उसको प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं। तो आज मतलब 2 साल बाद आपको कितना रुपया मिल रहा है, 132 रुपया मिल रहा है, इस क्वेश्चन में यही बोला गया है कि आपको मिल रहा है 132 रुपया 2 साल के बाद, असाधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट इसको बोला जाता है, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट। क्या बोला है, सिंपल इंटरेस्ट बोला, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक ना, तो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ, और आपको आज मतलब अमाउंट जो मिल रहा है ना, अमाउंट मिल रहा है 132 है, अमाउंट आपको 132 है, प्रिंसिपल आपको निकालना है, ठीक ना, तो वाकई में आपको इंटरेस्ट कितना कमाया आज के मामले में। अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, किसी भी कंपाउंड हो चाहे सिंपल हो, ये एकदम बेसिक है, वो हमेशा होता है। तो ये जो अमाउंट आया आपका जो आज मिल रहा है, आपको ये निकालना है पहले क्या था प्रिंसिपल, इंटरेस्ट 2 साल में आपने इतना कमा लिया, ठीक ठीक ना, कुछ कमा लिया, ठीक, तो इंटरेस्ट आपको, और इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, SI क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, पी प्रिंसिपल इंटू रेट, रेट ये दे रखा है टाइम बाई 100, ये होता है, ऐसे ही करके सारी वैल्यू दे रखी, इसको पुट करें, चलिए देख लेते हैं इसको पुट करके, अमाउंट है 132, प्रिंसिपल आपको निकालना है पी, और इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका, इंटरेस्ट में भी पी आता है, पी इंटू रेट कितना है 5, इंटू टाइम कितना देखा है 2 बस, और टाइम जो होता है ना साल में होता है, ईयर में होता है, 2/100, तो इसको सॉल्व कीजिए, 5 × 2 = 10, 10 से 10 कट गया, तो 11/10 इंटू पी आ गया, तो 11 से 132 काटेगा तो कितना कटेगा, 1 2, तो पी हो जाएगा 120 रुपया। बस 19वां क्वेश्चन, यदि किसी धनाभाकार बॉक्स के 3 आसन्न सतहों का क्षेत्रफल क्रमशः 120 वर्ग सेंटीमीटर, 172 वर्ग सेंटीमीटर और 60 वर्ग सेंटीमीटर है, तो बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, वही हमें निकालना है इसमें। तो इसमें देख रखा है आपका, ये दे रखा है मतलब क्यूबॉइड दे रखा है, क्यूबॉइड का क्या होता है मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट अलग अलग होते हैं, क्यूब का मतलब क्या होता है, क्यूब का मतलब होता है जब जिसके सभी लेंथ ब्रेथ लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सभी एक हो, उसको बोलते हैं क्यूब, ठीक, उसको घन बोला जाता है, घन हिंदी में घन बोलते हैं उसको, क्यूब को, ठीक ना, घनाभ बोलते हैं क्यूबॉइड को। यहाँ पे दे रखा है जैसे इसको फोटो बना के करते हैं बड़े अच्छे से, देखिए ये क्यूबॉइड हम बनाते हैं, ये आपका क्यूबॉइड बन गया, आगे का फेस है साइड का और ऊपर का फेस दिख रहा है, इसमें यही देख रहा है, मान लीजिए सपोज कीजिए 120 इसका एरिया दे रखा है, 120, इसको पेंट बदल देते हैं, 120 इसका दे रखा है, साइड वाले का मान लीजिए 72 दे रखा है, इसका एरिया वर्ग सेंटीमीटर, और 60 इसका दे रखा ऊपर वाले का, तो क्या बोला है, संपूर्ण बॉक्स का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब इसका सरफेस एरिया निकालना, पृष्ठ मतलब जो दिख रहा है पीठ हो तो उसको निकालना है, तो ये तो आपको 3 आगे दिख रहा है, 3 इसके पीछे भी होगा, इस मतलब जैसे कि
इस फेस के पीछे होगा एक, इस फेस के पीछे होगा एक, इस फेस के नीचे होगा एक, मतलब जमीन के साइड में हो जाएगा। टोटल कितने हो जाएंगे? छः हो जाएंगे। अभी दे रखा है तीन आपके सामने में, तो तीनों को जोड़ देंगे, इंटू टू कर देंगे, तो टोटल सबका आ जाएगा आराम से। उसको कर लेते हैं सॉल्व। तो पहले इसको पहले ऐड कर लेते हैं, 120 प्लस 72 प्लस 60, 180 प्लस 72 हो जाएगा आपका 252, इंटू टू कर देंगे क्योंकि उल्टा साइड में दो होने से हो जाएगा, तो इंटू टू कीजिएगा तो आज आपका 252 इंटू टू करने से क्या आ जाता है आपका 540 आ जाता, 504 आ जाता है। ये दे रखा है एवं 11 का मिश्रित अनुपात क्या, तो मिश्रित अनुपात में क्या कंपाउंड रेशियो में क्या करते हैं, सीधा 2 × 3 × 6/11 × 11/2 ऐसे करते, सबको इंटू कर देते हैं और कुछ नहीं होता। तो देख लीजिए 11 से 11 कट गया, 3 × 2 = 6, 6 कट गया तो 2 बचा बस, तो 2:1 हो जाएगा रेशियो निकालना है, 2 ऊपर बस आ रहा है, इसका मतलब है कि 2:1 इसका रेशियो। 21वां क्वेश्चन है, 19 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत निकालना है। देखिए क्रय मूल्य मान लीजिए सी है, कॉस्ट प्राइस 19 सी इक्वल टू दे रखा है, 19 सी का मतलब क्या, 19 × 6 मतलब 19 का कॉस्ट प्राइस मान लीजिए एक का 1 रुपया मिलता, तो 19 का कितना हो गया, 19 × 1 रुपया हो गया, ठीक ना, ये हो गया। तो 16 का विक्रय मूल्य 16 × S मतलब सेलिंग प्राइस, इसलिए दे रखा है, ये बराबर दे रखा। अब देखिए लाभ कैसे होगा, यहाँ तो ऐसे निकाल दिया, बहुत बार क्वेश्चन में ये पूछ सकते हैं कि लाभ होगा कि हानि होगा, बड़ा सिंपल सी बात है, 19 का क्रय मूल्य है, अब खरीद ज़्यादा रहे हैं, ठीक ना, मतलब यहाँ पे देखिए मैथ से देख लीजिए, 19 आपका देखिए कुछ चीज़ से इंटू हो रहा है, 16 की चीज़ इंटू हो रहा है, ठीक, तो ये यहाँ पे कम होगा क्योंकि ये ज़्यादा है, तो ये कम हो जाएगा, ये यहाँ पे कम है तो ये ज़्यादा होगा, तो मतलब सेलिंग प्राइस ज़्यादा, तो लाभ हो रहा है आपका, मैथ से देख लीजिए। अब इसको आराम से सॉल्व कर दिए, पहले ही ऐसे दे रखा है लाभ, तो कोई बड़ा चीज़ नहीं है, तो लाभ निकाल लेते हैं, क्या दिया है, 19 सी इक्वल टू 16 S, तो प्रतिशत क्या निकालते हैं, लाभ प्रतिशत हानि, लाभ प्रतिशत क्या होता है, सेलिंग प्राइस एस माइनस कॉस्ट प्राइस C/C इंटू 100, यही होता है हमारा, इंटू परसेंट मतलब परसेंट 100% होता है, ये होता है। एस का वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए, एस का क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 19/16 × C, यहाँ पे पुट कीजिएगा इसमें आराम से निकलता है, तो हम देख लीजिए 19/3/16 आपका आ जाएगा, मैं बता देता हूँ 16 × 3/16 तो ये आ जाएगा 300/16 मतलब 4×16 × 300 का मतलब कितना हुआ, 400×16 मतलब 7×28 × 2 = 75 आया, इसमें से देख लीजिए कौन सा आंसर है, 75/4 18 × 36 = 74 मतलब 2 इसका आंसर है, 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक मतलब एस सी हाइएस्ट कॉमन पेपर 23 दे रखा है, उनके लघुत्तम समावर्तक के अन्य दो मुग्रणकर 13 और 14 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी, देखिए आपका किसी दो संख्याओं का एस सी मतलब दोनों में कॉमन क्या था 23, सपोज कीजिए एक कोई नंबर है, ये कोई नंबर है उसमें 23 होगा इंटू कुछ 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 होगा, ठीक, दूसरा बी कोई नंबर है उसमें क्या होगा, उसमें भी होगा 23 इंटू कुछ 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 कुछ, ठीक, तो बड़ी संख्या क्या होगी ये हमें निकालना, मतलब ए बड़ा कि बी बड़ा, इसमें दे रखा है लघुत्तम समावर्तक जो है ना एलसीएम है उसके दो फैक्टर है 13 और 14, जो भी एलसीएम इस दोनों का आ रहा है 13 और 14, एक में हो सकता है 13, ये आपका कितना था 23 इंटू कुछ कुछ कुछ, बी है 23 इंटू कुछ 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 कुछ, तो लघुत्तम समावर्तक है तो उसके दो फैक्टर, मान लीजिए कुछ लघुत्तम समावर्तक उसका दो फैक्टर, मतलब या तो 13 × 14 इसमें भी होता या 13 × 14 इसमें भी होता, दोनों में, ठीक,
यहाँ पे बड़ी संख्या तो नहीं बोलना चाहिए, यहाँ पे डायरेक्ट बोलना चाहिए कि कम से कम बड़ी, कौन सी बड़ी संख्या होगी, कम से कम बड़ी संख्या, क्योंकि तो इसमें भी हो सकता है 13 × 14, इसमें भी 13 × 14, और ये टोटल इंटू कीजिए, कम से कम इतना इंटू कीजिए तो ये आ जाएगा कोई नंबर, और ये इसको ये ऐसे नहीं, इसको लिखना सबसे कम बड़ी संख्या, कहने मतलब एक में 13 हो गया और एक में हो जाएगा आपका 14, एक में हो गया 14, इस दोनों का जो होगा 13 23 × 14 वो असली आंसर होगा, तो 14 × 42 ये आंसर है इसका। एक दुकानदार 5 पेंसिल का 1 पैकेट 12.5 रुपये में देता है, जबकि प्रति पेंसिल वो 3 रुपये लेता है। मोहन को 23 पेंसिलें खरीदनी है और उसकी न्यूनतम देय राशि क्या होगी? अब देखिए, एक दुकानदार है, 5 पेंसिल का 1 पैकेट इतना रुपये में देता है, उसको 23 पेंसिल खरीदना, तो 23 पेंसिल मतलब कितना, एक एक पैकेट में कितना है, 5 है, तो 5 × 20 हो जाएगा, मतलब 4 पैकेट वो पहले खरीद लिया, तो 4 पैकेट × 1 पैकेट का कितना दाम, इतना कर ले, इतना कीजिएगा तो 50 रुपये हो जाएंगे, मतलब 50 रुपये खर्च कर दिया है। उसके अलावा बचा उसको 3 और, देखो तो 4 पैकेट में उसको कितना मिला, 4 पैकेट में उसको मिला है अभी तक मात्र 20 पेंसिल मिल गया है, 20 पेंसिल मिल चुका है 50 रुपये में। अब उसको 3 और करना है, मतलब 3, अब खुदरा खरीदिएगा ना, कहने का मतलब खुदरा खरीदने में पैसा ज़्यादा लगता है, तो बहुत ज़्यादा लग रहा है, 3 रुपये लग रहा है, तो 3 × 9, 3 × 9 मतलब 9 रुपये, 3 3 पे और खरीदना है, 3 रुपये एक का दाम है, तो 3 × 9 रुपये और लगे, तो टोटल इतना रुपये लग जाएंगे आपको खर्च 23 पेंसिल खरीदने में। अब 24वां क्वेश्चन है, यदि एक पतलून के लिए 1 मीटर 20 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता पड़ती है, 10 पतलूनों के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी? देख लीजिए, एक के लिए इतना है तो 10 कर दीजिए, 1 मीटर 10 सेंटीमीटर को ऐसे भी लिखा जाता है, 1 × 2 1.2, क्यों, क्योंकि तो इसको आप मीटर में कहिएगा तो 20/100 मीटर होता है, 1 सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 1.2 टोटल, और 10 10 को करना है तो एक का इतना है, तो 10 × 10 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 12 मीटर हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन, एक विद्यालय में विभिन्न खेलने वाले खिलाड़ी इतने हैं, मतलब क्रिकेट का इतना है, तो क्रिकेट खेलने वाले में 40% लड़कियां हैं, तो 40% लग रही है, टोटल कितने खिलाड़ी है, 80। यहाँ बस क्रिकेट जो है उस पर फोकस कीजिए, 80 है ठीक, और 40% उसमें लड़कियां हैं, मतलब 40% लड़कियां है, मतलब कि 40% ऑफ 80 लड़कियां हैं, तो निकालिए 40/100 × 80 ठीक, तो 32 लड़कियां हैं, मतलब तो टोटल लड़के कितने बच जाएंगे, 80 में से माइनस कर दीजिए, 80 - 32 ये आ जाएगा आपका 48, इसका आंसर ये हो जाएगा। इसका एक और तरीका, 40% लड़कियां मतलब कि 60% लड़के, अब बीच वाले जो है नए नए, मतलब बीच और भी चीज़ें होता है, लड़का लड़की और बीच भी होता है, उस पर सारा दिमाग नहीं लगाना एग्जाम में, बस यही सोचना है, तो 60% मतलब लड़के हो जाएंगे, तो सीधा 60% ऑफ 80 कीजिए, एक लाइन में आंसर आ जाएगा आपका 60% ऑफ 80, सीधा आ जाएगा 48 एक लाइन में, भर गई है, दिमाग को थोड़ा फ्री रखना है, हर चीज़ सोचते रहना, हर हमेशा कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम में नहीं याद आता है, तो इस तरह से। तो कोण का रेडियन दे रखा है, दाब का क्या होगा, तो कोण जी का यूनिट है, मतलब जिससे हम नापते हैं, रेडियन से भी नापा, डिग्री से तो आप पढ़ते ही होंगे, रेडियन से भी नापा जाता है, जैसे पाई होता था, π/4 जैसे इस तरह के बोलते हैं ना, π/4 डिग्री, π/4 डिग्री मतलब क्या होता है पता है, 45 डिग्री होता है, तो π/4 रेडियन होता है ये, है ना, ये भी डिग्री, ये भी एंगल को नापने का तरीका है, ये बड़े बड़े मैथमेटिक्स, हायर मैथमेटिक्स में यही मिलेगा आपको ठीक। तो π/4 डिग्री जो कि बेसिकली 45 डिग्री होता है, तो रेडियन उसका यूनिट होगा, दाब किसका है, पास्कल, दाब किसका मतलब प्रेशर किससे नापते हैं, पास्कल से नापते हैं। विषम संख्या मतलब निकालना है, तो देखिए 10 का स्क्वायर, देखिए एक में 10 का स्क्वायर 100, दूसरे में क्या है, 12 का स्क्वायर 144, 15 का स्क्वायर 225, 13 का स्क्वायर 169 आता है, 171 नहीं आता ठीक। अब इस श्रृंखला में, श्रृंखला को हमको सॉल्व करना है, तो देखिए 4 + 3 = 7, फिर 10 + 3 = 13 आ जाएगा, तो 13 वाला हो गया सब, डी डी ई एफ जी, ई एफ छोड़ दिया फिर जी आ गया, जी एच आई को छोड़ दिया फिर जे आ गया, तो जे के एल को छोड़ दीजिए एम आ जाएगा, एम वाला कौन सा, यही आंसर 3 नंबर आंसर इसका मतलब।
विकल्पों में भी मतलब कौन अलग है, ऑड नंबर कौन सा अलग तरह का दिखे, कुर्सी में दरवाजा लकड़ी, इस समय में क्या है, लकड़ी लकड़ी अलग होगा क्योंकि देखिए लकड़ी से बनता है कुर्सी मेज दरवाजा, ठीक ना। लकड़ी अपने आप में मतलब इंडिपेंडेंट चीज़ है, मतलब अपने आप में सर्वव्यापी, मतलब वो खुद है अपने आप, उसको किसी की जरूरत नहीं पड़ती। कुर्सी को लकड़ी की जरूरत पड़ती है, मेज की जरूरत पड़ती है। लकड़ी है तो कुर्सी है, लकड़ी है तो मेज है, लकड़ी है तो दरवाजा है ना। 29वां क्वेश्चन है, 29वां क्वेश्चन नीचे है क्या, अच्छा ये 29वां क्वेश्चन था। तो 30वां क्वेश्चन है, 39 विद्यार्थियों की कक्षा में सुरेश रैंक अशोक से 7 अंक आ गया। अब देखिए सुरेश का रैंक अशोक से 7 अंक आ गया, अब अशोक है कुछ रैंक पे, उससे +7 कर दीजिए तो सुरेश पे पहुंच जाइएगा, ये कहने का मतलब है इसका। यदि अंत से अशोक का 17वां रैंक है तो शुरू से सुरेश का रैंक क्या होगा, अंत से 17वां रैंक है इसका सुरेश का, ठीक, अंत से क्या है इसका 17वां रैंक है सुरेश का, सॉरी अशोक का, से अशोक का रैंक, ये अशोक है, अशोक का रैंक 17वां, तो सुरेश का अंत से कितना हो जाएगा, -17 -7 कीजिए, मतलब 10वां पोजीशन इसका, अंत से 10वां पोजीशन पे है कौन, सुरेश। तो शुरू से कितना हो जाएगा, 39 टोटल है, ठीक ना, 29 30वां पोजीशन हो जाएगा उसका, शुरू से, शुरू से वो 30वां पोजीशन पे आएगा कौन, सुरेश, जो कि आंसर में ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर ऑप्शन गलत है। तो शुरू से सुरेश का रैंक क्या होगा, ऑप्शन गलत है, इसमें 30 आंसर आएगा। एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक लड़के ने कहा, वह मेरी बहन के दादा का एकमात्र संतान। देखिए एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक लड़के ने कहा, लड़का मतलब बॉय ने कहा, वह मेरी बहन के दादा की एकमात्र संतान है, वह मेरी बहन के, अरे इसकी कोई सिस्टर, उसके दादा होंगे कोई ग्रैंड फादर, उसके बहन के दादा, ठीक ना, की एकमात्र संतान है, एकमात्र संतान कौन से हो गए, अब ग्रैंड फादर के जो दादा के जो संतान होते फादर कहलाते हैं, ठीक है ना, सब पता होना चाहिए। तो मतलब ये जो डाउटर है, सिस्टर है, वो फादर है, उसकी फादर है वो, उस मतलब फादर की तरफ ये बॉय लड़का ना, फादर अपने ही बाप की तरफ वो भी इशारा कर रहा है यहाँ पर, मतलब अपने ही बाप की तरफ वो इशारा कर रहा था, यही क्वेश्चन पूछा, वह पुरुष लड़के के किस प्रकार संबंधित था, तो पुरुष क्या आ गया, बाप नहीं हुआ, ये पुत्र हुआ, वो पुरुष लड़के से किस प्रकार संबंधित है, पुत्र का रिश्ता है उनका, उस उनसे, पिता का नहीं। एक विशेष कोड में लाइट को ए लिखा जाता है, इस कोड में फ्रेम को क्या लिखा जाता है, तो एल है, एल एम आ गया, आई जे आ गया, टी यू आ गया, तो एक बढ़ जा रहा है एफ जी, ई एफ जी। वह सब चुनिए जो दिए गए शब्दों का अनिवार्य भाग है, फैक्ट्री, तो फैक्ट्री में विद्युत कामगार चिमनी फाइव, तो देखिए विद्युत का होना जरूरत नहीं, हर एक फैक्ट्री में विद्युत नहीं होता है ना। अब जैसे आपने लगा दिया साबुन का फैक्ट्री तो हाथ से भी बन जाता है, हम मशीनें आ गई ठीक है, मगर उसमें कोई बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, चिमनी का जरूरत नहीं है, काल फाइल का जरूरत नहीं, मगर कामगार का जरूरत पड़ता है, वहाँ मशीन भी लगाइएगा ना, तो मशीन कोई कारीगर ही लगा रहा है, मतलब कामगार ही लगा रहा, तो देखा जाए तो इसका कामगार ही आंसर हुआ। एक आदमी दक्षिण की ओर मुँह किए हुए, ठीक ना, वह घड़ी की चाल की विपरीत दिशा एंटी क्लॉक में 135 डिग्री मुड़ता है, पहले तो देखिए दक्षिण की तरफ मतलब इधर मुंह किए हुए हो, अब एंटी क्लॉक वाइज दे रखा, एंटी क्लॉक मतलब समझ, घड़ी है तो घड़ी किधर मूव करता है आपको पता है ना, ऐसे मूव करता है इस डायरेक्शन में मूव करता है, इसको बोलते हैं क्लॉक वाइज, इस डायरेक्शन को बोलते हैं एंटी क्लॉक वाइज, तो कहने मतलब ये तो एंटी क्लॉक वाइज 135 डिग्री मुड़ा, तो ऐसे घुमा हुआ था 135 मतलब इधर मुड़ गया, 135 डिग्री का कोण बना लिया, ठीक। अब फिर बोला गया घड़ी की चाल की दिशा में क्लॉकवाइज 180 डिग्री कोण पर मुड़ता, अब बोला कि वहाँ उधर मुड़ गया, इधर देख रहा, इस डायरेक्शन में देख रहा, अब वहाँ से 180 डिग्री मुड़ गया, मतलब सीधा पीछे हो गया एक तरह से, मतलब चीत से पट हो गया समझे, तो 180 डिग्री मुड़ गया मतलब इधर आ गया सीधा, ठीक। ये 135 डिग्री तो ये कितना डिग्री होगा, 45 डिग्री, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है, उस इस डायरेक्शन को बोला जाता है दक्षिण पूर्व बोला जाता है, ठीक ना, दक्षिण पश्चिम बोला जाएगा, दक्षिण पश्चिम, ठीक ना, क्योंकि ऐसे डायरेक्शन होता है ईस्ट वेस्ट साउथ
नॉर्थ। नॉर्मली जो डायरेक्शन होता है ना आपका, अगर बीच का कहीं है ना, बीच का कोई डायरेक्शन, बीच का तो इसके रेफरेंस में लिखते हैं हम लोग, नॉर्थ या साउथ के रेस्पेक्ट में, उत्तर या दक्षिण के रेस्पेक्ट में लिखते हैं, ठीक ना। यह आप दिमाग में रखिए, दिए गए विकल्पों में चिन्ह में ज्ञात कीजिए, ठीक ना। अब इसका लॉजिक देख लेते हैं, एक है, दो है, तीन है, चार है, तो इसमें पाँच आएगा। देख लीजिए, पाँच से बन जा रहा है क्या आंसर, पाँच से बन रहा है क्या, पाँच से बन नहीं, अभी पाँच है, अभी पाँच है, पर घुमाना है। अब देखिए, पहले ऐसे था, फिर इसमें क्या हो गया, ऐसे हो गया, फिर इसमें ऐसे हो गया, फिर इसमें ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो जाएगा, तो ऐसे वाला ये है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, आर एक चीज वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करते, कलम पेंसिल बोतल। देखिए, कलम पेंसिल बोतल आपको कहीं से लग रहा है कुछ है? देखिए, कलम पेंसिल तो चलिए मान सकते हैं, लिखने के काम में आता है, पर दोनों में कॉमन कुछ नहीं है ना, ठीक है। बोतल है तो बोतल तो बिल्कुल अलग हो गया, ठीक। और कलम और पेंसिल में खुद अपने आप में कुछ कॉमन नहीं है। अब जैसे आता कुर्सी, मेज, और ऐसे भी आप कोई भी ऑप्शन देखिएगा तो कहीं पे भी देखिए, हर कोई में कुछ ना कुछ कॉमन है। यहाँ पे देखिए, कॉमन है, कॉमन है, यहीं पे सब अलग है। मतलब बोतल देखिए 100% इन सबसे अलग आएगा, मतलब इसका बिल्कुल अलग बनेगा। मतलब दो को मान लीजिए मिला भी या तब भी ये अलग बनेगा। वैसा आपका आंसर एक ही है, यही आंसर है इसका। मतलब कलम पेंसिल बोतल कहीं से कोई रिलेटेड नहीं है। अब प्लस का अर्थ इतना है, ये है तो कर लेते हैं। 80 क्या दिया है, 80 प्लस को क्या कर दिया इसने, डिवीजन कर दिया, डिवीजन कर दिए 20, फिर 5, फिर ये डिवीजन को कर दिया इसने माइनस, तो माइनस कर देते हैं यहाँ पे -5, फिर माइनस को इसने कर दिया इनटू, तो इनटू 12, इनटू को कर दिया इसने प्लस, प्लस 92। तो इस वाले क्वेश्चन में लिख लेते हैं हम, 80 प्लस को क्या कर दिया इसने, डिवीजन कर दिया, तो डिवीजन 20, 20 डिवीजन को कर दिया इसने माइनस, -5, माइनस को कर दिया इनटू इसने, इनटू 12, इनटू को कर दिया प्लस, तो प्लस 92। तो पहले बोडमास रूल होता है, एक बोडमास पढ़ा होगा आपने, बोडमास, BODMAS, ब्रैकेट ऑफ मतलब काके की जो परसेंटेज में आता है वो बोला, फिर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक ना, ये होता है। तो ये कर ले, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पहले इसको सॉल्व कर देंगे डिवीजन को, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 5 इंटू 12 प्लस 92, ठीक। फिर नेक्स्ट लाइन में इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस क्या आ जाएगा, 12 25 60, 12 25 60 प्लस 92। फिर क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला कुछ छोड़ देंगे, माइनस में है, माइनस वाला बाद में होगा, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करेंगे ऐसे, ऐसे करेंगे 4 कलर दिख नहीं रहा है, 4 प्लस 92 माइनस 60, ठीक। 4 प्लस 92 कितना हो जाएगा, 96, 96 माइनस 60 कितना होता है, 36 होता है, ठीक। तो यह आंसर इसका 3 हो जाएगा। और इसमें क्वेश्चन दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, त्रिभुज मतलब होता है तीन वाले, तीन भुजा वाले, ट्रायंगल मतलब, तो ट्रायंगल निकालना है हमको, एक है, दो है, तीन है और फिर 4 है, दोनों साइड में था, टोटल मिला के 4 हो गए आपके, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। 5 नहीं होगा, यहाँ पे 4 ही होगा। 39वां क्वेश्चन है, आकृति में कौन सी आकृति सर्वाधिक मिलती है, तो इससे कौन सा आकृति सबसे ज़्यादा मिलता है, तो ये आकृति देख सकते हैं, निम्नलिखित उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति से सर्वाधिक मिलती है, तो सबसे ज़्यादा कौन सा मिलता है, आपको दिख ही रहा होगा, आँख तो ठीक ही है, देख लीजिए, ये भी मिलने वाला है, ये भी मिलने वाला, पर दोनों में फर्क कितना है इसका, ये देखिए, ये जो बिट है ये बहुत ज़्यादा, ये तो मिलता ही नहीं, ये भी नहीं मिलता, ये थोड़ा सा गैप ज़्यादा होता है इसमें बीच में,
प्लस इसमें क्या है, बीच में है ये, इसको समझिए उल्टा कर दिया, इसको थोड़ा घुमा दिया तो ये वाला आकृति आपको मिल जाएगा। इसको थोड़ा घुमा दीजिए, टर्न कर दीजिए थोड़ा सा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में, तो ये वाला आकृति आ जाएगा, चौथा नंबर वाला। दिए गए विकल्पों में से चुनिए नोट क्यू एल बी, ये तो एम एन ओ पी क्यू, एम एन ओ पी छोड़ दिया क्यू आ गया, ओ एम एन ओ पी क्यू एल एम एन ओ, इधर देखिए उल्टा चल गया इसमें, इधर से एल से जाइए ओ की तरफ, एल एम एन ओ आ जाएगा, फिर आ गया इधर से टी एस टी यू बी डब्ल्यू, फिर बी से जाइए उल्टा ई की तरफ, बी सी डी ई, तो ऐसे हो रहा है, मतलब एक ऐसे जा रहा है, एच ऐसे जाएगा प्लस दो करके, एच ई ए बी सी डी ए जी एच आई जे के आ जाएगा, तो के वाला ये आंसर सीधा के एक ही से हो जा रहा है, पर उधर मैंने पूरा पैटर्न बता दिया कैसे होगा। तो यहाँ पे क्या था, एन से प्लस दो कीजिए, फिर एल से प्लस दो इधर कीजिए, ठीक ना, तो ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो एच से प्लस दो, एच जी एच आई जे के, इसका आंसर वन हो गया। तो ये था आपका सेट नंबर दो, ऐसे ही और भी सेट का मैथ को सॉल्व करेंगे अच्छे से, और आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए, टीचर सभी सेट को सॉल्व कराया जाएगा बहुत ही जल्द, बहुत ही जल्द सेट को सभी सेट को सॉल्व कराया जाएगा। वैसे और वीडियो देखने के लिए चैनल